सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वीके व्लॉग्स। ऑफ गाइस, आप सभी लोग भाई अच्छे हो गए। यहाँ पे चेक करो भाई कितनी सारी स्कूटी, भाई यहाँ पे टोटल गाइस 9 स्कूटी खड़ी है। और अभी हमें पेट्रोल पंप पे जस्ट सभी ने भाई फिल अप करवाया है एंड फुल टैंक करवाया है, क्योंकि भाई हम निकलने वाले गाइस राइड के लिए, जो कि होने वाला भाई दिल्ली टू वृंदावन। यस गाइस, फाइनली अपना भाई एक लॉन्ग राइड स्टार्ट हो चुका है, जो कि अप एंड डाउन की बात करें तो भाई 300 किलोमीटर के आसपास या फिर उससे ऊपर ही हो जाएगा। ये चेक करो भाई, यहाँ से लाइनअप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जाके भाई इसके पीछे भी डबलिंग हो रही है। देखो वहाँ पे भाई हैशटैग है, यहाँ पर रतन भाई है, तो बहुत सारी स्कूटी है, 9 या 10 अपने ग्रुप में भाई स्कूटी जाने वाले हैं। सारे के सारे भाई वृंदावन के लिए जा रहे हैं, तो फुल टैंक भी यहाँ पे हो चुका है। पेट्रोल पंप पे गाइस खड़े हैं भाई, अब बदरपुर का टोल बोथ वाला, जो कि यहाँ से निकलेंगे गाइस सीधा वृंदावन के लिए। फुल टैंक करवा लिया हमने, तो ट्रिप पे वो कर देता है गाइस 0। यहाँ पे 200 क्या सी ना, देखो 0 कर देता है इसको। तो यहाँ से भाई अब देखिए कितना किलोमीटर चलता है। तो गाइस ऑलरेडी भाई अपने घर से आ चुके हैं 24-25 किलोमीटर, जो कि बदरपुर काफ़ी दूर है, बट यहाँ से ट्रिप हमने 0 कर दिया। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा वृंदावन, पेट्रोल फुल है, मेरे को लग रहा है फुल टैंक में तो आराम चले जाएगा। हो सकता है भाई अप एंड डाउन भी हो जाए, मुश्किल है, लेकिन बीच में एक बार फिलअप करवाना पड़ेगा। तो लेट्स मूव गाइस। यहाँ पे मोहित भाई कैसे ब्रो, फुल टू जैकेट। नितिन भाई सारे रेडी है भाई। यहाँ पे फराज भाई, ये देखो आपको सारे एड्रेस मिलवा था भाई। ये अपने राशा भाई, राशा ने गाइस एक मॉडिफिकेशन करवाया। देखो यहाँ पे जो रेस एक्सपी थी ना, ये देखो रेस एक्सपी है गाइस, कलर देखो ये भी रेस एक्सपी है, बट भाई ने भाई यहाँ पे राशा ने देखो डेविल को कैसे मॉडिफाई करवा दे, सामने का पूरा पैनल ब्लैक कर दिया। रेडी है गाइस ये भी मचाने के लिए, भाई ने फुली एडवर्टाइजमेंट कर रखा भाई सीधा दिल्ली टू वृंदावन के लिए। ये अपने हैशटैग भाई कैसे ब्रो, सेटअप लग रहा है, जल्दी जल्दी लगाओ। और यहाँ पे तो भाई ने भाई लग रहा घर से स्टार्ट करके आए भाई, रतन भाई बिल्कुल सेट होके बाल बाल कटवा के रेडी। पेट्रोल डलवा लिया ना सभी ने, चलो भाई सभी ने पेट्रोल डलवा लिया है। एंड भाई गाइस एरे एंड भाई नितिन भाई के साथ आया, कैसे हो? आ गया केदारनाथ का ट्रिप तुम्हारा भाई। राहुल भाई सीधा केदारनाथ के बाद अभी आ रहे हैं संडे राइड पे, पिछली बार नहीं आते बट सीधा भाई लॉन्ग राइड से लॉन्ग राइड कर रहे हैं, क्या बात है। फाइनली भाई रेडी टू मूव एंड टाइम अपडेट की बात करते तो भाई 6 बज चुके हैं। यहाँ से अपनी मॉर्निंग राइड स्टार्ट हुई है 6 बजे, हम जस्ट गाइस निकल चुके हैं सीधा वृंदावन के लिए। रूट रहने वाला वो भाई होने वाला मथुरा वाला रोड, जो की सीधा चले जाएगा गाइस वृंदावन को। बाय बाय करते हुए गाइस वृंदावन के लिए निकल चुकी है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है हमें लगने वाला भाई 3 से 4 घंटा। स्पीड गाइस मैंने डिसाइड किया, वो बोला भाई 70 के आसपास रखेंगे, 60 से 70 की स्पीड रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहेगा एंड स्लो भी नहीं रहेगा, तो देखते कितना टाइम लगने वाला। मेरे हिसाब से तो 3 से 4 घंटा आराम से लग जाएगा, तो वही देखते भाई 6 बजे। तो मान के चलो गाइस हम यहाँ से निकल चुके भाई बदरपुर से, और वृंदावन गाइस कब टच करते हैं जब देखेंगे भाई टाइम कितना हो रहा है। अपने को भाई जल्दी जल्दी वृंदावन पहुँचना भी है और सेफ राइड करना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने रखा सेफ्टी को, कि सारे राइडर भाई चले ना 9 से 10 राइडर का इस ग्रुप में राइड कर रहे हैं, तो भाई चाहता हूँ कि सारे बंदे सही सलामत जाए और सही सलामत आए, इसलिए गाइस सेफ्टी सबसे पहले रखेंगे एंड बाकी चीज़ें बाद में थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता रहेगा। चलो निकलते हैं, पहला अपना टोल पड़ा है बदरपुर का। आप लोग कमेंट कर देना भाई, आप लोग वृंदावन कितनी बार जा चुके हो, बस से गए हो, ट्रेन से गए हो या फिर भाई अपनी गाड़ी से। मेरा तो गाइस फर्स्ट टाइम होने वाला है, जो कि भाई दिल्ली टू वृंदावन का राइड हमने स्टार्ट कर दिया है। मजे वाली बात है गाइस, मैंने ग्रुप के साथ भाई राइड स्टार्ट किया, जिसके अंदर भाई 9 बाइकर्स है अपने, तो फुल टू मजा आने वाला। जहाँ से मर्जी गाइस रोकेंगे, खाना वो खाएंगे, जो भी है, मतलब टेंशन फ्री है गाइस। ऐसा नहीं गाइस कि हम बस में जा रहे हैं टाइम टेबल से, भाई जहाँ से मर्जी रुक नहीं सकते, अपने हाथ में, जहाँ मन करेगा गाइस वहाँ रुक जाएंगे, आराम कर लेंगे, फिर से मन करेगा तो गाइस निकल लेंगे, तो ये अच्छी बात होती है एक पर्सनल व्हीकल का। मेन हाईवे तो मेरे को लग रहा कनेक्ट करने वाले हम, ये चक्कर भाई आगरा सामने दिखा रहा था, मतलब गाइस हमने बिल्कुल सही रोड पकड़ रखा है। पेट्रोल का भी गाइस अपने कोई दिक्कत नहीं होने वाला भाई, बेताल को हमने फुल करवा दिया, तो लगभग 250 से 300 किलोमीटर तो आराम से चलेगा। और पूरा जो अपना रूट होने वाला ना हाईवे का, तो टेंशन फ्री गाइस आराम से भाई वृंदावन पहुँच भी जाएंगे और वापस भी वहाँ से इसी टैंक में निकल सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी तो है कि बेताल भाई पूछा देगा वापस भी ले आएगा। बट मुझे जहाँ तक पता भाई बीच में एक बार फुल करवा लेंगे, क्योंकि आते आते तो रिजर्व लगी जाएगा या फिर खत्म भी हो सकता है। फुल टैंक तो आते वक्त एक बार बीच में अपने को डलवाना पड़ेगा, लेकिन अभी भाई टेंशन फ्री है गाइस, आराम से वृंदावन जाएगा बेताल फुल टैंक। अभी हम सबसे आगे एंड लीड कर रहे हैं, क्योंकि भाई 70 की स्पीड पर मेंटेन कर रखा और बोला कि 70 के आसपास चलेंगे, क्योंकि भाई अपने को टाइम पे पहुंचना भी है और टाइम से निकलना भी है। प्लान हमारा ऐसे है कि भाई एक ही दिन में अपने को जाना है और दोपहर तक वहाँ से निकल जाना, शाम को हमें दिल्ली पहुँच जाना है, इसलिए गाइस हम स्पीड को अच्छे से मेंटेन रखेंगे, 60-70 बोला तो उतना ही रखेंगे, स्लो चलेंगे ना तो काफ़ी लेट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि भाई लेट हो, फिर लेट में गाइस दिक्कत क्या होता है कि भाई ज़्यादा भागम भाग हो आता है, बंदे फिर तेज तेज चलाएंगे एंड जो भी है इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए टाइम टू टाइम चलेंगे तो भाई अच्छा रहेगा। और एक सबसे बड़ा भाई दिक्कत वाली बात है गाइस, मुझे संडे को गाइस मेरा ऑफिस भाई जो है क्लोज नहीं रहता एंड सबसे ज़्यादा रश होता है, तो मुझे आके भाई जॉब भी ज्वाइन करना शाम वाला, जो कि 7 से 11 होता है, इसलिए थोड़ा भाई टाइम से चलेंगे, टाइम से आ जाएंगे, अगर आ जाए तो बढ़िया भाई। मैं नहीं चाहता गाइस जॉब मिस करूँ, क्योंकि भाई छुट्टी नहीं देते संडे और सैटरडे वाले गाइस, मेरे को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलता, बाकी दिन तो मैं ले भी लेता, बट आज संडे वाले दिन सारे राइडर फ्री हुए, इसलिए गाइस हमें टाइम से जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी,
वरना अगर छुट्टी होती ना मेरी तो भाई आराम से आते, घूमते फिरते, कितना भी लेट होता कोई दिक्कत नहीं है। बट आज थोड़ा भाई टाइम का अपने से चलना पड़ेगा, इसलिए जो स्पीड रहेगी गाइस जो बोला वही मेंटेन रखेंगे, तभी जाके भाई हम टाइम पे पहुंच पाएंगे वृंदावन। मोहित भाई की भाई जो एक्टिवा है ना भाई, इतनी ओवरलोड हो चुकी है भाई। ये जो पीछे डंडा लगा ना ब्लैक वाला भाई, मैं ही लाया था खरीद के, मोहित भाई बोले तो खरीद के ले आओ, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है और 100 रुपये का आता भाई, आप भी लगवा सकते हो। तो इतनी अच्छी लग रही है अब लग गाइस लद्दाख के लिए भाई निकल चुके, ऐसा इतना फुली लोडर बना रखा ना भाई ने, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात को तो पूछो मत भाई क्या है डाटा। तो इसी तरीके से भाई अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना चाहिए एंड बना के रखो भाई, ऐसा गाड़ी बना के रखो ना कि लोग देखें कि भाई नोटिस करे कि हाँ आपने पैसे खर्च किए तो गाइस गाड़ी है, देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है। बीच में रोड पे जो वाइट पट्टी होती है ना, लाइन होती है, इस पे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो नोटिस करना कि गाड़ी आपकी जो इस पे ग्रिप देती है ना, ब्लैक वाले रोड पे जो ग्रिप मिलता है ये वाइट वाले पे नहीं आता, चला के देख लेना। जैसे आप स्कूटी या बाइक ले आओगे ना, ये देखो मैं ले आता हूँ इस पे, तो इस पे क्या होता है गाइस कि इस पे भाई फिसलने लगती है, बैलेंस ही देखो, इस पे बैलेंस नहीं होता क्योंकि भाई ये थोड़ा सा चिकना होता ना तो स्कूटी इधर उधर होती है। तो आप लोग भाई ब्लैक पे चलाया करो, वाइट पे मत जाया करो, ये थोड़ा फिसलता है क्योंकि भाई ये स्मूथ है, प्लेन है, ब्लैक पे चलाओ इस पर अच्छा ग्रिप आता है, वो थोड़ा फिसल जाता है। ये चीज़ तो मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, बट सोचो चलो आज बता देता हूँ। हैशटैग भाई इनका बैठने का स्टाइल आपको दिखाता हूँ भाई, एंगल गाइस शूट करने के लिए भाई बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठते हैं मजे। ओ भाई हमको वाला गाइस आ रहा है कैसे भाई, भाई हमारे साथ ही चल रहा है। इस भाई को थोड़ा भाई सपोर्ट करना हैशटैग राइडर को, भाई गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत करते भाई जब से भाई मेरे साथ जुड़े पड़े स्टार्टिंग से, फिर जाके धीरे धीरे सारे बंदे आए, मतलब बंदा भाई जेन्युइन काम करते हैं, फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी भी, एंड होपफुली गाइस फ्यूचर में भाई गोप्रो लेंगे, जल्दी लेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करो। जो गाइस बंदा मेहनत करता ना भाई उसको भाई सपोर्ट करना चाहिए, चाहे भले मुझे किसी बड़े क्रिएटर ने सपोर्ट ना किया हो, लेकिन मैं चाहता हूँ गाइस मेहनत कर रहा भाई उसको तो सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे आप हो या फिर कोई भी हमारे ग्रुप में बंदा हो जो जेन्युइन काम करता ना भाई, दिखता है कि भाई बंदा कितना मेहनत कर रहा है। एंड भाई हैशटैग भाई मेहनत करते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे साथ हैं, मैं जानता हूँ भाई कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं एंड रेगुलर वीडियो ट्राई करते देने के लिए, जैसा भी हो काम भी करते हैं, बट गाइज मेहनत भाई की पूरी है तो सपोर्ट करो भाई को, सभी को गाइज सपोर्ट करना। देखो जो मेहनत करता है सपोर्ट तो भाई मिलना चाहिए, एंड मैं भाई इस काबिल को सपोर्ट कर सकता हूँ तो भाई ऑब्वियसली बात है गाइज मैं सबको सपोर्ट करूँगा भाई। इतना बन जा रहे तो क्या खतरनाक बाइक दिख रही है भाई, इतने वो मोटे टायर है भाई इस बाइक के, चक्कर भाई आई डोंट नो कौन सी बाइक है भाई। गाइस हार्ले डेविडसन भाई बहुत खूबसूरत लग रही है, इतनी बड़ी बाइक है सर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट बहुत खूबसूरत लग रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। इस रोड की गाइस बात करें तो स्पीड लिमिट दे रखी है, जो कि अपना मथुरा वाला रोड है, 80 की स्पीड दे रखी है मिनिमम कार वालों के लिए, जो ट्रक वाले होते हैं उनके लिए 60, तो हम तो सही चल रहे 70 के आसपास चल रहे तो अच्छा ही है, स्पीड के अंदर ही चल रहे हैं और अच्छा भी है। बाइक बढ़िया लग रही थी, बोर्ड चेक करो भाई, मथुरा सिर्फ 108 किलोमीटर और आगरा 159, उदयपुर से 22 किलोमीटर चेक करो भाई चला लिया, 100 किलोमीटर गाइस अपने को और जाना है क्योंकि भाई सिंगल साइड में ना ये पड़ रहा अपने को 140 कुछ किलोमीटर, एंड घर से मैं बदरपुर आया तो भी भाई 24-25 किलोमीटर तो हो ही गया, यहाँ से अपने को 100 किलोमीटर और खींचना गाड़ी। मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर गाइस कितना लगना चाहिए, आप लोग एक्यूरेट लगाओ, 70 की स्पीड में चल रहे हैं तो 2 घंटा मान के चलो, 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कहीं पे लेट भी होता है हम जैसे गैप लेते हैं तो भाई लेट से लेट गए 10 बजे भी पहुंच जाए ना तो बहुत बढ़िया मेरे लिए। तो अभी खेसते भाई, अभी सबसे पीछे गाइज मैं हूँ और मेरे साथ भाई चल रहे अभी रतन भाई, देखो गाइज लेके चलना होता इसलिए भाई हम दो भाई अभी चल रहे पीछे, एंड चलो गाइज अभी ज्वाइन करते हैं। रोड गाइज वैसे तो काफ़ी अच्छा रोड है, नो डाउट भाई बहुत सही रोड है, अभी तक तो ज़्यादा खड्डे वड्डे भी नहीं आए तो टेंशन वाली बात नहीं, गाइज रोड काफ़ी अच्छा है। रेस मोड में डाल लेते क्योंकि क्या होता है ना 80-90 के बाद ना स्ट्रीट मोड में गाइस थोड़ा फेंकने लगता है इंजन, लगता है कि भाई रुक रहा है, इसलिए रेस मोड में ठीक है कि ओवरटेक में थोड़ा पीछे हो जाएगा गाड़ी दिक्कत आता है, क्योंकि जब आपका इंजन पीछे थकता है ना भाई तो आपको ओवरटेक कर रहे हो ना आपको लगता है कि भाई थ्रॉटल लेना चाहिए, तो थ्रॉटल देते वक्त भी गाड़ी नहीं जाएगा क्योंकि उसकी लिमिट होती ही नहीं है, इसलिए भी डाल दिया रेस मोड में। रोड देख रहे हो गाइस आप लोग, रोड का कंडीशन देखो, जो कि मथुरा वाला रोड है काफ़ी अच्छा है रोड है, और अभी तो भाई बहुत सारे भाई जो हार्ले डेविडसन का ग्रुप होता है पूरा का पूरा गाइस ग्रुप निकला है यहाँ से, मे बी वो भी आ गया तो भाई उनको भी ज्वाइन करेंगे। लेट्स मूव गाइस, काफ़ी आगे निकल गया राइडर भाई, हम तो आराम आराम से आ रहे थे मज़े करते वक्त, हम तो आराम से आ रहे थे मज़े करते वक्त, बातें बातें करते वक्त, बट ठीक है ज़्यादा आगे नहीं होंगे, थोड़ा सा आगे होंगे भाई। और आज का गाइस मौसम भी भाई काफ़ी मेहरबान है, 6:30 होने वाले हैं एंड धूप नहीं आया भाई, ये तो पहली बार हो रहा है, वरना धूप निकल जाता है, और अभी आप लोग वेदर देख रहे हो भाई धूप बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे भाई धुआं कहाँ से आ गया, धूप नहीं है तो धुआं धुआं हो गया।
खूबसूरत गाइस, खूबसूरत रोड है भाई, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। गड्ढे वड्ढे कम है, टोल भी काफ़ी बड़ा है भाई, तो साइड से लेंगे। पिछली बार संडे राइड पे क्या हुआ था भाई, हमने लिया और टोल का जो होता था फाटक भाई, वो फाटक सीधा भाई बेताल के ऊपर गिरा एंड फाटक गाइस सीधा आगे टूटने की साइड हो गया, बिल्कुल फेंका गया। बट ठीक है, उस वक्त भाई किसी को नहीं लगा, ना मुझे ना बेताल को, ये वाला नहीं होता भाई, एकदम से गिर गया स्कूटी के ऊपर तो भाई फाटक ही पूरा टूट गया। मान लो ये आपको देखने को मिलेगा, हैशटैग के रिकॉर्ड हुआ। गाइस हमने भाई ग्रुप को ज्वाइन कर लिया अपने राइडर्स यहाँ पे, और ये देखो हार्ले डेविडसन वाला गाइस ग्रुप यहाँ पे, पूरी की पूरी भाई ग्रुप देखो। आई डोंट नो भाई सारे बंदे कहाँ जा रहे हैं, हाँ निकलते हैं, अभी नहीं निकलेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक दो मिनट के लिए रुकते, सारे राइडर तो आ चुके, देख लेते सारे आए या नहीं आए। दो मिनट स्कूटी रोकेंगे और ये चक्कर भाई सारे के सारे हार्ले डेविडसन वाले, माय गॉड, एक कावासाकी भी है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और महंगा वाला सीन है गाइस। मतलब आई डोंट नो कितना कॉस्ट होता होगा भाई, बहुत महंगा होता है गाड़ी, बट खूबसूरत है गाइस। तो हम निकलते भाई, लेट नहीं करेंगे क्योंकि गाइस अभी यहाँ से 30-40 किलोमीटर ही चलेगा, अगर लेट करेंगे ना तो काफ़ी लेट हो जाएगा। लेट्स मूव, आपको बताता हूँ कितना किलोमीटर चले अभी तक, तो भाई सिर्फ 28 किलोमीटर आया एंड 28 किलोमीटर चलते ब्रेक लेना भाई है तो सही बात नहीं है, इसलिए गाइस हम निकल लिया टोल को भी बाय बाय करते हैं और फाइनली निकलते भाई अपने डेस्टिनेशन के लिए जो कि होने वाला है गाइस वृंदावन। यहाँ से भाई 100 किलोमीटर का राउंड और बच रहा है और भाई ये चेक करो बेताल में गाइस, 3 इंडिकेटर भाई हीटिंग के आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अपना जो फ्यूल का इंडिकेटर था वो भी कम हो गया, जो कि 30 किलोमीटर चला है 30 किलोमीटर में कम हो गया एक, बट और तो भाई काफ़ी धीरे धीरे तक कम हो गया, धीरे धीरे पहला वाला जल्दी कम होता है। अरे जो गाड़ी होता है गाइस उनसे कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत है कि भाई आप लोग चलो तो एकदम से भाई इधर से उधर मत काटना, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका संडे राइड पे, तो भाई एक ट्रक वाला गाइस चल रहा है यहाँ पे, मैं जैसे ही ओवरटेक करने वाला उस ट्रक वाले को, भाई ट्रक वाला इस लेन से गाइस उस पे ले गया, बताओ भाई उसकी बाइक वाइक है क्या, तुम ऐसा मोड़ दे रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है ट्रक वाले जब ऐसा करते हैं ना, जब जाके एक्सीडेंट का चांस बनता है, वरना धीरे धीरे चल अपनी लेन में तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, जिसको निकलना होगा यहाँ से वो निकल जाएगा, आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ी ना आगे कोई हिट कर देगा, बट जो आप लोग मोड़ते एकदम से यहाँ से वहाँ दिक्कत हो जाती हमें, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करो भाई हम जैसे छोटे राइडरों का।